अरे वाह आइसक्रीम। अरे रियो तू पागल हो गया क्या, इतनी सारी आइसक्रीम खा के मरना है क्या? अरे मुझे कुछ नहीं होता जेसी, आई एम सुपरमैन। अरे रियो जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा जेजी, आज रियो स्कूल नहीं जाएगा, उसे कल रात से बुखार है। ठीक है आंटी। अरे रियो मेरे यार, तुम अब तक ठीक नहीं हुए? नहीं जेजी, अभी नहीं। अरे आंटी, रियो को तो तेज बुखार है और उसका पेट भी फूला हुआ लग रहा है। हाँ जेजी, तुमने सही कहा। क्या मैं रियो को अपने डॉक्टर अंकल के पास ले जाऊँ? क्यों नहीं जेजी। इसको तो टाइफाइड हो गया जयजी। बेटा गर्मियों में बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते हैं, तो उससे अक्सर उन्हें टाइफाइड हो जाता है। हाँ डॉक्टर अंकल, मैंने वो शादी में ना थोड़ी ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली थी। थोड़ी ज्यादा नहीं डॉक्टर अंकल, बहुत ज्यादा। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध को कम से कम 2 बार उबाला जाता है, अर्थात उसे पाश्चराइज करा जाता है। अगर ऐसा ना करा जाए तो उसके अंदर टाइफाइड के कीटाणु रह जाते हैं। इसलिए बाहर की आइसक्रीम खाने के बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जेजी, आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चे आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल, हम थायराइड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल जायरा। हमें इससे बचने के लिए बाहर की चीजें कम से कम मात्रा में खानी चाहिए और आइसक्रीम तथा अन्य पसंदीदा चीजें अपने घर पर ही बनवा कर खानी चाहिए। साथ ही टाइफाइड से बचाव का टीका भी सभी बच्चों को लगना चाहिए। आपने ठीक कहा डॉक्टर अंकल, आगे से हम ऐसा ही करेंगे।